हाय गाइस, तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि टग ऑफ वार प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जानते पहले प्रॉब्लम क्या क्या रही है। बेसिकली हमारे पास में एक एरे गिवन है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके अंदर नंबर्स प्रेजेंट है। हमको क्या करना है, पहला पॉइंट हमको उस एरे को दो यू कैन से वेक्टर के अंदर डिवाइड करना है, दो सेट में डिवाइड करना है। वैसे तो चलो इसको दो सेट में डिवाइड करना है। ठीक है, एक बात समझ में आती है। दूसरी बात कि जो दोनों सेट है ना उनका साइज सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इवन केस के अंदर तो हो सकता है कि सेम आ जाएगा, कि पहले वाले में अगर मैंने रख दिया 1 2 3, दूसरे वाले में रख दिया 4 5 6, तो सेम है साइज, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत है, अगर मेरा साइज और होता, अगर ये होता मेरी ये एरे है, तो इसके अंदर क्या होता कि किसी एक सेट के अंदर एक साइज ज्यादा होता वो चलता है। ठीक है, तो क्या मैं क्या कह सकता हूँ, एटमोस्ट जो डिफरेंस होगा ना दोनों एरे का, जो दोनों सेट बनाऊंगा मैं उनका जो डिफरेंस होगा ना वो एटमोस्ट वन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक, या तो जीरो हो जाएगा या एक हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। चलो, और तीसरा पॉइंट, ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि दो सेट बनाने, ठीक है बना दिए, उनको डिवाइड करना है कि मतलब तीन इधर आने चाहिए, तीन इधर आने चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे मान लो 1 2 5 3 4 6 एक केस होगा, 2 3 4 1 5 6, तो ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे। ठीक है, पर हमको कौन सा वाला केस प्रिंट कराना है, जिस केस के अंदर जो वैल्यू है ना, जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है दोनों वैल्यूज का। बेसिकली एब्सोल्यूट, पहले एब्सोल्यूट समझते क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो आप a माइनस बी लिखो, एब्सोल्यूट ऑफ a माइनस बी लिखो, बात एक ही है। एब्सोल्यूट ऑफ b माइनस a लिखो, ये भी बात एक ही है। ठीक है, तो दोनों में सेम चीज आएगी, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी ना सेट वन के सम की, सेट वन का जो सम होगा उसकी, माइनस सेट वन सेट टू का सम, मतलब हम दोनों के दोनों जो सेट है ना हमारे पास, उन दोनों सेट का सम निकालेंगे, उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, जो वैल्यू मिनिमम आएगी हमारे पास, जितने भी पेयर्स बन के आ रहे हैं उन सब में से जो ये वैल्यू मिनिमम देगा उस वाली वैल्यू को प्रिंट कराना है। ठीक है, दोबारा बता देते हैं एक बार, दो सेट बनाने, ठीक है, बराबर साइज के होने चाहिए, और केस में एक वाला ज्यादा हो सकता है, अगर और है तो एक ज्यादा होगा, और रेस्ट के अंदर हमको प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट वो वाला केस कराना है जिसके अंदर जो वैल्यू आएगी ना सेट वन के सम की, सेट टू के सम की, वो मिनिमम हो। ठीक है, चलो इतना क्वेश्चन है। तो अब इसके अंदर हम धीरे धीरे एलिमिनेट करते रहेंगे और हमको आंसर मिलता रहेगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, सारा रिकर्शन हैंडल कर लेता है। बेसिकली हमको केसेस जनरेट करने आते हैं, केसेस जो जनरेट करने आते हैं ना, अगर मैं आपको ये एक सेट दूं, ये दो सेट दूं, ठीक है, तो मतलब मैं आपको एक इजी सा बोलता हूँ, मैंने आपको दो बॉक्सेस दिए और मैंने आपको 1 2 3 4 5 और 6 ये 6 बॉल्स दी, तो आप क्या कर सकते हो, पहली बॉल को पिक करोगे, चॉइसेस लगाओगे कि या तो मैं इधर रखूंगा या इधर रखूंगा। ठीक है, बस यही चीज है, यही चीज है, पहली बॉल उठाया या तो इधर रखूंगा या इधर रखूंगा, दूसरी बॉल को उठाया या तो इधर रखूंगा या इधर रखूंगा, और सो ऑन। तो आखिर में जाके हमको ये दोनों भरे हुए मिलेंगे। पर इसमें एक दिक्कत है, हमारे बहुत से केसेस ऐसे भी बनेंगे जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही होगी, ये साइज वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही होगी, उसके लिए हम एक कंडीशन लगा देंगे। बेसिकली क्या कंडीशन लगाएंगे, हमको पता है कि एरे आधा आधा डिवाइड होना है, एरे आधा आधा डिवाइड होना है, मतलब अगर एरे और एरे वेक्टर ले रखा हमने, तो एरे एआरआर डॉट साइज बाय टू, अगर किसी भी सेट का साइज इससे बड़ा हो जाता है तो हमको एलिमेंट नहीं रखना ना, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये डाटा है। ठीक है, तो आप खुद ही देख लो, बेसिकली पता लगा लो कि हमारा जो सेट वन होगा ना उसका साइज क्या होगा, क्या साइज होगा, इसकी लेंथ बाय टू, तो 1 2 3 4 5 6 बाय टू बोले तो 3, सेट टू का साइज कितना होगा, वो भी 3 होगा। ठीक है, और के केस के अंदर देख लेते हैं कि अगर मान लो ये 7 होता, ये यहाँ पे 7 होता, तो उस केस के अंदर सेट वन का साइज क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, और सेट टू का साइज 3 हो सकता है, या इसका उल्टा, या उसका उल्टा, यहाँ का साइज 4 हो जाएगा, यहाँ का साइज 3 हो जाएगा, यहाँ का साइज 4 हो जाएगा। तो ये कैसे पता लगाएंगे, बहुत इजी है, बेसिकली ये जो चीज है ना, जो फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये दोनों केस के लिए हैंडल कर लेगा, एरे डॉट लेंथ प्लस 1/2। तो आप देखो एरे डॉट लेंथ 7 है, 7 प्लस 1/2 8/2 कितना हो गया, 4 हो गया ना। और इवन के लिए देख लेते हैं, इवन के अंदर मैं ये लगा रहा हूं, वैसे यही हमारे पास, तो कितना हो गया 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 7/2 3, तो ये 3 तो चाहिए था हमको, पहले भी 3 आ रहा था, 6 के लिए क्या आंसर आ रहा था 3, और अभी भी 3 आ रहा है, तो ये ऑड के लिए भी हो गया, इवन के लिए भी हो गया, तो ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया।
अब हमको पता है सेट वन का साइज भी पता है, सेट टू का साइज भी पता है, ठीक है। तो पता लगाने का सेंस क्या है कि बेसिकली अगर हम किसी एलिमेंट, हमारे पास दो चॉइसेस है ना, या तो सेट वन में डालेंगे या सेट टू में डालेंगे। तो जब हम सेट वन में डालने वाले होंगे तो हम चेक करेंगे क्या इसका साइज इससे बड़ा तो नहीं हो जाएगा, क्या मेरे पास अगर मेरा साइज तीन है, सेट वन का साइज तीन है, और मेरे डालने से अगर उसका साइज चार हो जाता है तो मैं नहीं डालूंगा, मैं उसके अंदर नहीं डालूंगा, मैं सेट टू में डालूंगा, ठीक है। तो बस ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। एक छोटा सा देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, वन टू थ्री और फोर के लिए देख लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा है। तो क्या है इसके अंदर, दो डब्बे हैं, डैश और डैश सेट है हमारे पास, ठीक है। पहले वन के लिए चॉइस आई क्या आई, या तो फर्स्ट इसमें आ सकता है तो वन डैश बनेगा, दूसरे में आएगा तो डैश वन बनेगा, ठीक है। अब सेकंड के लिए देखते हैं, इसके लिए हो चुकी है, वन सेकंड के लिए देख रहे हैं, फर्स्ट में आ सकता है तो वन टू और ये खाली रह जाएगा, दूसरे में आएगा तो वन और टू, ठीक है। चल अब इसके लिए भी दो कोई दो कैसे आएंगे, दो टू वन और इसके लिए डैश वन टू, ठीक है। चलो अब थ्री की बात करते हैं, टू तक हो चुका है थ्री, क्या मैं थ्री को सेट वन में रख सकता हूं, सेट वन का साइज अभी टू है और एरे डॉट लेंथ बाय टू कितना होगा, ये भी टू है। तो भाई अब मैं अगर एक और रखूंगा तो साइज बढ़ जाएगा तीन, जो हो नहीं सकता, तो मैं सेट वन में नहीं रख सकता, मैं सेट टू में ही रख सकता हूं। तो यहां पे तीन, इसके लिए मैं दोनों में रख सकता हूं, तो वन थ्री और ये कितना जाएगा, दूसरा टू ही रहेगा और इसके अंदर वन टू थ्री, ठीक है, बिल्कुल इजी है। और यहां पे भी दो केस बनेंगे, या तो फर्स्ट सेट के अंदर रख देंगे तो दूसरे सेट में वन, या दूसरे सेट में तो टू वन थ्री। और इसके अंदर एक ही कंडीशन है कि थ्री सिर्फ फर्स्ट सेट में आ सकता है क्योंकि दूसरे सेट का साइज टू है, ठीक है। अब तो क्या है, अब थ्री के लिए भी काम हो गया, अब फोर के लिए तो एक ही चॉइस है, वन टू थ्री फोर, इसके लिए वन थ्री टू फोर, इसके लिए वन फोर टू थ्री, इसके लिए टू थ्री वन फोर टू फोर वन थ्री और थ्री फोर वन टू, ठीक है। तो ये हमारे पास में पेयर्स आ गए, ये सारे पेयर्स आ गए हमारे पास। अब हमको तो कुछ भी नहीं करना, हमको क्या करना है, जो हमको एक इंटीजर मेंटेन करते रहेंगे, जो सेट वन का साइज लेकर रखेगा, सेट टू का साइज लेकर रखेगा, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। और अगर वो डिफरेंस, जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल बना रखा है ग्लोबल डिफरेंस, ठीक है, तो अगर ये इस वैल्यू, अगर इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, वन प्लस टू थ्री और थ्री प्लस फोर कितना हो गया सेवन, तो थ्री माइनस सेवन ये कितना हो जाएगा फोर। तो अगर जो मेन डिफरेंस है, अगर फोर मेरे मेन डिफरेंस, ये जो मेन है ना मेन डिफरेंस, इससे भी छोटा है, तो मेन डिफरेंस की वैल्यू कर दूंगा फोर और आंसर के अंदर अपडेट कर देंगे सेट वन के एलिमेंट्स प्लस सम स्पेस और सेट टू के एलिमेंट्स, ठीक है। इस तरीके से प्रिंट करना है, उसका फंक्शन हमको गिवन है। तो बेसिकली यहां तक आ गए ना, यहां तक आने के बाद तो कुछ भी नहीं करना, डिफरेंस निकालना, सेट वन का एक इंटीजर मेंटेन कर रखा है फंक्शन के अंदर, तो सेट वन का सम है मेरे पास, सेट टू का सम है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा, जो जो मेरा मेन डिफरेंस है ना उससे मैं चेक कर लूंगा क्या मेरा डिफरेंस उससे भी कम है, अगर उससे कम है तो उसको अपडेट कर दूंगा और मेरे आंसर को भी अपडेट कर दूंगा। तो सिमिलरली ये प्रोसेस इसके लिए सबके लिए चलेगा, अंत में मुझे सबका मिनिमम मिल जाएगा और मेरा आंसर अपडेट हो जाएगा और उसी आंसर को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर देते हैं इसको, ठीक है। चलो तो क्या करना है मेरे को, पहले तो मैं इसके अंदर कंडीशन लगाऊंगा, अगर मेरे सेट वन का जो साइज है, अगर मेरा सेट वन का साइज है अगर वो छोटा है एरे डॉट लेंथ और एरे डॉट साइज बाई टू, अगर ये चीज है तब तो मेरे को वो ऐड कर सकता हूं, तब तो मैं सेट वन में ऐड कर सकता हूं। तो ऐड करने के लिए तो क्या है, सेट वन में डाल दो, सेट वन डॉट पुश बैक, बिल्कुल इजी है पुश बैक, और क्या है पुश करना मेरे को उसके अंदर एरे ऑफ इंडेक्स और वी आई डी एक्स, ठीक है। वी आई डी एक्स उनको इंडेक्स बता रहा है कि हम कौन से इंडेक्स के नंबर को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। सेट वन में डाल दिया, अब उसका सम इंक्रीज कर देते हैं, तो इंक्रीज कर दिया एरे ऑफ वी आई डी एक्स, चलो दोनों चीज इंक्रीज कर दी। उसके बाद में कॉल लगा दिया एरे ऐसे कैसे ही वी आई डी एक्स, अगले वाले की बात करेंगे, सेट वन पास कर दिया, सेट टू भी पास कर दिया, सम ऑफ सेट वन ऐसा कैसे ही सम ऑफ सेट टू ये भी पास कर दिया, ठीक है। तो दोनों चीज पास कर दी। अब इसके बाद में क्या है, जब मैं वापिस आ रहा हूं बैक ट्रैक हो रहा हूं, ठीक है, तो बैक ट्रैक करते वक्त इसका साइज वापिस से कम कर देंगे, तो माइनस इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ वी आई डी एक्स, ठीक है, ये कम कर दिया। और उस एलिमेंट को जो मैंने सेट वन में डाला था उसको वहां से हटाना है, तो सेट वन डॉट इरेस इरेस सेट वन, सेट वन डॉट साइज माइनस वन, ठीक है। तो जो साइज उसके जो लास्ट के अंदर पड़ा होगा उस वैल्यू को ये हटा देगा, ठीक है, बिल्कुल इजी सा कोड है ये कोड,
एग्जैक्टली यही कोड अपना उसके लिए भी चलेगा, इसके लिए सेट टू के लिए। तो पेस्ट करते हैं, जहां जहां सेट वन है वहां वहां सेट टू लगा दो और कुछ भी नहीं है। सेट टू, सेट टू, इधर ये चीज सेम रहेगी, इसके आगे कितना हो गया सेट टू हो जाएगा, ये भी सेट टू और ये भी सेट टू, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेंज कर दी। इसके बाद में बेस कंडीशन कब हिट होगी, जब हम सारे एलिमेंट्स रख चुके होंगे। तो इफ वी आई डी एक्स इक्वल्स टू एरे डॉट साइज, मतलब मैं सारे एलिमेंट्स रख चुका हूं। तो इस केस के अंदर क्या है, पहले मुझे डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, ए बी एस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम ऑफ सेट वन माइनस सम ऑफ सेट टू। अब मैं चेक करूंगा क्या ये वैल्यू इफ डिफरेंस इज लेसर देन जो हमारी मेन डिफरेंस की वैल्यू है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर मेन मेन डिफरेंस इक्वल्स टू डिफरेंस कर दो और सेट आंसर कर दो, ठीक है। ये फंक्शन बना हुआ पहले से, ये अपने आप हैंडल कर लेगा सेट आंसर। और क्या पास करेंगे इसके अंदर, सेट वन पास करेंगे, सेट टू पास, ठीक है। बस इतना सही था ये कोड बिल्कुल। देख लेते हैं कोई कंपाइलेशन एरर होगी तो, ठीक है 37 पर आ रही है, देख लेते हैं क्या है। सेट वन डॉट इरेज सेट वन डॉट साइज माइनस वन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है इसको, बेसिकली जो लास्ट के अंदर डाली है मैंने पुश करी, उस वैल्यू को हटाना है मुझे। तो यहाँ पे एंड लिख के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो एंड के अंदर भी वही चीज रहेगी, देखते हैं, ठीक है, अब एक्सेप्ट हो रहा है। तो बेसिकली एंड जो है वो हमको क्या लास्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, जो लास्ट इंडेक्स होगा। तो इंडेक्स माइनस वन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, लास्ट वैल्यू का इंडेक्स मिल जाएगा। बस इतना सही था। और इसके अंदर देख लेते हैं क्या दिक्कत हो रही है, ये देख लेते हैं एक बार। अगर साइज वन, पहले वाले का साइज अगर छोटा है इससे, ओह ऑड के लिए भूल गए, ऑड के लिए भूल गए, हो गया ना गलती, देखो आई समझ में, जो ऑड किसी से वो फंस गए होंगे। मैंने क्या बताया था, एरे डॉट साइज प्लस वन जो होता है वो ऑड के लिए और इवन के लिए दोनों के लिए चलता है, दोनों के लिए चलता है, ठीक है। यहाँ पे फंस गया हमारा केस, ये जो केस है इसका ना चार इवन होंगे, आप पता लगा सकते हो ना इससे, क्योंकि हमारे जितने भी केसेस हैं उनके अंदर से इवन वाले चल गए, ऑड वाले फंस गए। तो वही चीज है बस। तो इसके अंदर साइज प्लस वन लगाना है, ये जनरिक है, इवन और ऑड दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है। तो अब चल जाएगा हमारा, अब चल जाएगा, ठीक है, अब चल गया। तो बस इतना ऐसा था क्वेश्चन, पहले डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद कंडीशन लगा दी कि कब हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कब तक ऐड कर सकते हैं, जब तक वो एरे डॉट लेंथ से छोटा है, ठीक है, लेंथ बाय टू से छोटा है, एरे डॉट लेंथ प्लस वन बाय टू से छोटा है, ठीक है। जब तक उसके अंदर ऐड करेंगे, उसके बाद में जब वो बेस कंडीशन में हिट होगा डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर वो डिफरेंस हमारा मिनिमम डिफरेंस से कम है तो मिनिमम डिफरेंस को अपडेट करके सेट आंसर फंक्शन को कॉल, ठीक है। बस इतना सही था ये क्वेश्चन, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।